ताजनगरी आगरा में रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई। यह परीक्षा आगरा के करीब नगर और देहात के 58 केंद्रों पर संपन्न कराई गई। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में करीब 33,000 परीक्षार्थियों के परीक्षा के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह परीक्षा आगरा में 2 पालियों में कराई गई, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9:30 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 2 से 4:30 बजे तक कराई गई। वहीं इस मौके पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। ताजनगरी आगरा में रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई। ये परीक्षा आगरा के करीब नगर और देहात के 58 केंद्रों पर संपन्न कराई गई। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में करीब 33,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये परीक्षा आगरा में 2 पालियों में कराई गई, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12 बजे और द्वितीय पाली 2 बजे से 4:30 बजे तक कराई गई। वहीं इस मौके पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। शहर के ओल्ड विजयनगर स्थित आगरा पब्लिक स्कूल में भी सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए। इस दौरान परीक्षार्थियों के साथ आए लोगों का जमावड़ा परीक्षा केंद्रों के बाहर लगा रहा। वहीं शहर के अन्य केंद्रों पर हुई परीक्षा के दौरान लगे जाम को पुलिस को खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आगरा में रविवार को आयोजित की गई। इस परीक्षा में हजारों की संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। आगरा शहर और देहात में इसके लिए प्रशासन द्वारा करीब 58 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। कोरोना के बाद से सीसेट की परीक्षा पहली बार हो रही है। आगरा में बनाए गए हर परीक्षा केंद्र पर करीब 400 से 700 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। वहीं परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान कड़ाई से चेकिंग कर उन्हें प्रवेश दिया गया। आज हमारे यहाँ सीटेट का सेंटर पड़ा हुआ है। सीटेट का सेंटर आज हमारे स्कूल में है, आगरा पब्लिक स्कूल 8-10 ओल्ड विजयनगर, सेंट्रल आगरा पब्लिक स्कूल, आगरा पब्लिक स्कूल अरतौनी। हमारे तीनों ही स्कूल्स में आज CBSE CTET का सेंटर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आगरा पब्लिक स्कूल 8-10 ओल्ड विजयनगर कॉलोनी में 750 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो CTET का एग्ज़ाम देंगे। उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, बॉयज़ की अलग, गर्ल्स की अलग। बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है और ये सारे बच्चे अपना पूरा चेक करा के उन्हें कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी गजेटेड और कोई भी आप मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, मेटल अलाउड नहीं है। ओनली 1 बॉल पॉइंट पेन ब्लैक, 1 ब्लू पेन एंड एडमिट कार्ड, अदर देन दैट आधार कार्ड और सिर्फ यही, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा 48 सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल तैनात किए गए थे। साथ ही करीब 16 थाना प्रभारी को सेक्टर पुलिस अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया था। 8 सहायक पुलिस आयुक्त को जोनल पुलिस अधिकारी 8 सहायक पुलिस आयुक्त को जोनल पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। वहीं इन सब के बाद पेपर की समाप्ति के बाद शहर में जाम की स्थिति हो सकती है, जिसके लिए यातायात पुलिस को भी पूरी तरह से तैनात किया गया है, जिससे कि शहर की जनता को जाम में फंसना ना पड़े।